नमस्कार सभी दर्शकों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है लैंगिक प्रजनन। देखो, पौधे में तीन प्रकार से प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और वृद्धि प्रजनन। तो आज हमें लैंगिक प्रजनन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, कोई भी बीज है उसको उगने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। बीज से पौधा अंकुरित होता है तो उसमें तीन अनुकूल परिस्थितियां आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? एक तो नंबर एक है नमी, यानी कि पौधे को या बीज को नमी आवश्यक है। दूसरा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और वायु। तो सबसे पहले हमने समझना, कोई भी बीज अंकुरित होता है तो उसके अंदर मिट्टी के अंदर नमी होनी चाहिए और बीज को सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए और वायु से ऑक्सीजन की प्राप्ति होनी चाहिए। अब इस बात को समझो, देखो ये बीज है, बीज के तीन मुख्य भाग होते हैं। इसका जो सबसे बाहरी भाग है, ये बिल्कुल बाहरी, ये क्या नाम है इसका, बीज का आवरण। ये होता है बीज आवरण, अर्थात इसके अंदर बीज ढका रहता है, इसको हम छिलका बोलते हैं। और इसके अंदर फिर नीचे होता है बीज पत्र, ये तुमने पहले सुना भी होगा, पढ़ा होगा कि कई बीज एक बीज पत्री होते, कई द्विबीज बीजपत्री होते। तो कई बीजों में दो पत्र होते, अर्थात उनको बोलते हैं द्विबीज पत्री। तो एक तो बीज आवरण बीज पत्र और एक बीज के अंदर होता है जीवित भ्रूण। जीवित भ्रूण का मतलब क्या है कि भाई जिससे पौधा जीवित रहता है। यदि बीज के अंदर जीवित भ्रूण नहीं होगा तो फिर वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। तो हमने पहले तीन चार बात बहुत आवश्यक है, बीज अंकुरित कैसे होता है। पहली बात क्या बताई, नमी, सूर्य, प्रकाश, वायु, ये अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए। उसके बाद बीज के तीन भाग होते हैं, बीज आवरण, बीज पत्र और जीवित भ्रूण। और जैसे ही बीज को ये अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो बीज का अंकुरण शुरू होता है। और अंकुरित कैसे होता है बीज, बीज के जब अंकुरित शुरू होने लगता है तो दो मुख्य भाग निकलते हैं, एक तो होता है प्रांकुर और एक मूलांकुर। प्रांकुर का मतलब क्या होता है, जो भाग नीचे अंधेरे की तरफ बढ़ता है उसको बोलते हैं मूलांकुर। मूलांकुर का मतलब क्या है, जिससे पौधे की जड़ें बनती हैं, यानी कि जो भाग अंधेरे की तरफ नीचे नमी की तरफ बढ़ता है उसको बोलते हैं मूलांकुर। और जो भाग ऊपर प्रकाश की तरफ बढ़ता है जिससे पौधे के अंदर पत्तियों का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं हमें, प्रांकुर। इसमें ये दो बातें ध्यान देने योग्य हैं, क्या क्या, कि भाई जब भाई जैसे ही पौधा अंकुरण शुरू होता है, अंकुरित करना शुरू कर देता है तो उसमें दो संरचनाएं निकलती है धागे जैसी, एक का नाम क्या है मूलांकुर जिससे जड़ का निर्माण होता है और दूसरी है प्रांकुर जिससे पौधे का तना बनता है। तो इस प्रकार ये होता है बीज से नया पौधा बढ़ना, इसको बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। तो आज इसके बारे में बहुत ध्यान से देखना है, ये चार पांच पॉइंट बहुत आवश्यक है कि वे पौधे या बीज से पौधा कैसे बढ़ता है। इसमें तीन पॉइंट अति आवश्यक है, नंबर एक तो आवश्यक परिस्थितियां, नमी होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए और वायु में ऑक्सीजन। दूसरा ये ध्यान रखना है कि भाई बीज के भाग कितने होते हैं, क्या कितने भाग होते हैं, तीन, बीज आवरण, बीज पत्र और जीवित भ्रूण।
और जैसे ही बीज कोई अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो बीज से पौधा बढ़ना शुरू होता था, बीज का अंकुरण शुरू होता है। और अंकुरण के लिए समझना जरूरी है कि दो संरचनाएं निकलती हैं, एक मूलांकुर जो जड़ बनाती है, दूसरा परांकुर जिससे पौधे का तना बनता है। तो आज हमने समझना है लैंगिक प्रजनन क्या है, तो अलैंगिक प्रजनन क्या है या फिर वंश वृद्धि या कायिक प्रजनन क्या है, वो आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।